दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड में बने शक्ति नगर तालाब की साफ सफाई और रखरखाव नहीं होने से गंदगी पसरी हुई है, जिससे रहवासी काफी परेशान हैं। जिसके बाद आक्रोशित वार्डवासियों ने दुर्ग नगर निगम में महापौर कार्यालय का घेराव किया। इस मामले में दुर्ग महापौर धीरज बाखलीवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि उनकी मांगें सुन ली गई हैं और जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेकर उस तालाब की साफ सफाई कराने का कार्य किया जाएगा। तो सीधा 15 साल का कार्यकर्ता मेरे को कार्यक्रम में बताया कि 15 साल तुम लोग क्या किए। आम जनता जाता जानता है 15 साल पूरा दुर्ग शहर हम किस तरह से विकास किए हैं। ये सिर्फ चौक चौराहों में PWD के द्वारा किए हुए कार्य को अपने दिखा रहे हैं। मेरा मांग है, मेरे क्षेत्र में इतने बड़े समुद्र जैसे तालाब है, उस तालाब के लिए राशि स्वीकृति कराने के लिए मैं धैर्य से बैठा था। अगर ये राशि नहीं देता, ये तय है मैं इसके कक्ष के सामने से बाहर जाने वाला। वो आज हमारे पास आए थे और जो ढंग उनका था तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। चुनाव को देखते हुए शस्त्री लोकप्रियता अर्जित करने के लिए उन्होंने जो आज जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं लेकिन उसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही उस तालाब की सफाई भी कराई जाएगी, गहरीकरण भी कराया जाएगा, उसका